हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस, आज मैं लेकर आई हूँ इम्पोर्टेंट सॉल्ट्स। तो सॉल्ट्स में से हम इसके ऊपर आज देखेंगे। ये क्लास 10th का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। तो फर्स्ट सॉल्ट है हमारा बेकिंग सोडा। तो गाइस, बेकिंग सोडा का जो केमिकल नेम होता है, इसे हम सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट को सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहा जाता है। यदि इसका जनरल नेम देखें तो हम बोलते ही है इसको बेकिंग सोडा। केमिकल फॉर्मूला होता है NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। मेथड ऑफ प्रिपरेशन यदि मैं देखूं तो NaCl प्लस अमोनिया प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, इनकी रिएक्शन पर सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस अमोनियम क्लोराइड बनता है। अब गाइस, ये देखने में जो रिएक्शन है वो काफी टफ दिख रही है, बट इतनी टफ नहीं है। मैं इसको आपको ओपन करके बताती हूँ, ये आपको फटाफट समझ में आ जाएगी। तो गाइस, बस हमें करना क्या है, जो वाटर है इसको ओपन कर देती हूँ। वाटर को मैंने कर दिया एच और ओ एच। बस अब हमें इतना ध्यान रखना है कि ये एच और ओ एच का जो ओ एच वाला पार्ट है, सोडियम का ओ एच का पार्ट और कार्बन डाइऑक्साइड, इन तीनों को हमें मिलाना है। तो गाइस, हम जानते हैं वो जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जाएगा तो CO3 बन जाएगा। बस हमारी रिएक्शन हो गई है, सोडियम हाइड्रोजन और ये मिलकर कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी सोडियम बाई कार्बोनेट हमारा बन गया है। बचा हुआ पार्ट, बस ये हाइड्रोजन इधर जाके अमोनिया के साथ मिलकर अमोनियम प्लस क्लोरीन, तो ये बन गया अमोनियम क्लोराइड। इस तरीके से हमारे मेन इसके प्रोडक्ट बन जाते हैं। नेक्स्ट आता है इसके यूजेस। तो गाइस, बेकिंग सोडा का यूज होता है बेकिंग में। आपने होम्स में, बेकरीज में देखा होगा, बेकिंग में यूज होता है। एंटासिड, जो एसिडिटी हो जाती है उसको रिलीफ देने के लिए एंटासिड बनाया जाता है, उसमें भी बेकिंग सोडा का यूज होता है। सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, यानी कि जब कभी कहीं पर फायर एक्सीडेंट हो जाता है तो वहां पर फायर से रिलीफ करने के लिए या फायर बुझाने के लिए, आग को बुझाने के लिए भी सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं वॉशिंग सोडा। तो केमिकल नेम होता है इसका सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेटेड। डेका मीन्स होता है 10 और हाइड्रेटेड का मतलब होता है क्रिस्टल्स ऑफ वाटर आर एडेड। फिर आता है जनरल नेम, जो कि हम वॉशिंग सोडा के नाम से जानते हैं। केमिकल फॉर्मूला इसका होता है सोडियम कार्बोनेट, दैट मींस Na2CO3 पॉइंट या इनटू 10H2O, यानी कि इसमें डेका हाइड्रेटेड पार्ट जो है वो इसके साथ कंबाइंड होता है, जुड़ा होता है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात कर लेते हैं तो बहुत सिंपल रिएक्शन होती है गाइस। बस हमें करना क्या है, सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के साथ करते हैं, जो कि एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाते हैं। दिस इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और बस ये जो है डायरेक्ट जुड़कर सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेटेड बना लेते हैं। इसके बाद इनके यूजेस की बात करते हैं। तो यूजेस इनके होते हैं सोप इंडस्ट्रीज, पेपर इंडस्ट्रीज में इनका यूज किया जाता है सोडियम कार्बोनेट का, और रिमूव परमानेंट हार्डनेस। तो वाटर की जो परमानेंट हार्डनेस होती है उसे रिमूव करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। एंड अवर हाउसेस, इसे क्लींजिंग एजेंट के फॉर्म में यूज किया जाता है। गुड। एंड द लास्ट सॉल्ट है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो गाइस, केमिकल नेम होता है इसका कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेटेड। हेमी मींस होता है हाफ। जनरल नेम हम इसको POP भी बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस भी बोलते हैं। केमिकल फॉर्मूला होता है CaSO4, दैट मींस कैल्शियम सल्फेट इनटू हाफ H2O। तो प्रिपरेशन मेथड की बात कर लेते हैं, बहुत सिंपल होती है। इसे जिप्सम को हीट करके 373 केल्विन डिग्री केल्विन पर इसे जब हीट किया जाता है तो ये अपने आप में से वाटर मॉलिक्यूल को रिलीज कर देता है, निकाल देता है, और इस तरीके से हमें POP या प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ 2H2O है, यानी कि जिप्सम, यहाँ पर से 1.5H2O मॉलिक्यूल जो है वाटर का वो निकल गया है और बन गया CaSO4 इंटू हाफ H2O, दैट मींस दिस इज POP। ये हमारा है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो गाइस, इनके यूजेस देख लेते हैं। हम लोगों ने बहुत जगह हमारी डेली लाइफ में हमने इसके एग्जांपल्स देखे हुए हैं, स्टेच्यू मेकिंग, गणेश जी उनकी मूर्ति बनने में, या इस तरीके की बहुत सारी मूर्ति जो बनती है वहां पर इसका यूज किया जाता है। प्लास्टर ऑन ब्रोकन बोन्स, जब भी हमारे फ्रैक्चर हो जाता है तो उस फ्रैक्चर के ऊपर जो प्लास्टर बांधा जाता है वहां पर इसका यूज किया जाता है। डेकोरेटिव पीसेस, बहुत अच्छी अच्छी डेकोरेशन की चीजें बनाई जाती है इससे। इवन हमारे मकान में जो फोर सीलिंग होती है वहां भी इसका यूज किया जाता है।
तो गाइस इस तरीके से आपने देखा कि ये मेरा प्लास्टर ऑफ पेरिस का टॉपिक कंप्लीट हुआ। आज हमने पढ़े थे 3 सॉर्ट्स इस वीडियो में। तो गाइस यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ यदि आपको मेरे वीडियो से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी कॉमेंट है तो आप मुझे उसे कॉमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं डेफिनेटली उसको सॉल्व करूंगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।